आज ब्लॉग शुरू करती हूँ अपने मंदिर से। तो मैंने पूजा कर ली है, कान्हा जी का भोग लगा दिया है, उनको दूध रख दिया है और मैंने लड्डू रख दिया है और दिया लगा दिया, आरती कर ली। बस अब करती हूँ आगे के काम। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, बच्चों ने मैगी बनाई है अपने लिए, मेरे से बोल रहे तुम भी खा लो, पर मुझे मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है तो जिद कर रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, बस बच्चे लोग खा लेंगे। वही 5-6 बजे का टाइम हो रहा है, शाम को कभी कभी भूख सी लगती है। आज बोल रहे हैं मेरे को मैगी बनानी है। वैसे मैं ज़्यादा अलाउड नहीं करती मैगी, बहुत कम, शायद आज काफ़ी दिनों बाद बनाई है बच्चों ने मैगी। खाने जा रहे हैं बच्चे मैगी, आप लोग भी खा लीजिए। अचानक से हम लोगों का बन गया प्लान, अचानक से ही बना, कोई भी प्लान नहीं था आने का कि आज हम लोग मूवी देखने आएंगे। तो ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया। छुट्टी का दिन था, पति देव घर पे थे, बच्चों का भी मन था, तो बस उठे और चल दिए सबके सब। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। लोगों आ रही हो, ये मूवी 3D में ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। सब लोगों ने यही बोला था कि अगर देखो तो इसको 3D में देखो, ज़्यादा बेटर लगेगी देखने में। तो मैं हम लोगों ने भी ना 3D टिकट निकाला था, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और चश्मा सबको दिया था लगाने के लिए, क्योंकि उससे लगाने से ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, चश्मा निकालने से इतनी नहीं लग रही थी। तो सब लोगों ने चश्मा लगा के ही देखा था, पूरे थिएटर में सभी लोग लगाए बैठे थे। हम गए तो वहाँ पर था नहीं, तो मैंने अभी से बोला जाओ दो चश्मा ले के आओ, दो नहीं सॉरी पाँच, पाँच लोग थे ना तो पाँच चश्मा ले के आए। व्लॉगिंग आ रही है, अभी 2-3 दिन पहले अभय और प्रिंस आए थे यहाँ से शॉपिंग करने। अभय अपने लिए कपड़े लेने आए थे, तो वही छोटे हो गए, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वही बोल रही मैं चेंज करने जा रहा हूँ, गौरी के बैग में रखे हुए हैं। तो गौरी बोल रही मैं भी चल रही हूँ साथ में, तो अभय और प्रिंस बोल रहे हैं नहीं तुम मत चलो, हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी थी, बच्चे लोग गए हैं कपड़े चेंज करने, अभय को कपड़े चेंज करने थे तो अभय गए हैं कपड़े चेंज करने, और ये भी गए हैं साथ में, और गौरी प्रिंस अभय तीनों लोग गए हैं एक साथ। ये बच्चे निकल गए, मैं खड़ी हूँ क्योंकि मतलब नहीं है ना, अभी घर जाके कोई खाना खा के ही जाऊँगी। तो मूवी तो बहुत अच्छी थी। अभी अभी यहाँ पे ना ससुराल सिमर का जो सीरियल था ना, वो एक्टर आई थी, बच्चे बोल रहे मम्मी वही थी, मैंने देखा। ये पूछने लगे क्या करना है, घर पे चलना है कि खाना खाना है, तो मैंने बोला जो तुम्हारी समझ में है वही करो, लेकिन हर लेडीज़ को तो यही लगेगा कि घर पे जाके खाना कौन बनाए फिर। क्योंकि देखो रात को अगर 9-10 बज जाए मूवी छूटते छूटते या कहीं से भी बाहर से घूम के आने में, तो फिर घर पे जाके 10 बजे कौन खाना बनाएगा, फिर मन नहीं करता है, या फिर जल्दी आ जाओ तो बात अलग है, 10 बज रहा है फिर क्या मतलब है। तो सोचा लेट तो हो ही गई है तो खाना खा के ही जाते हैं।
रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बजने वाले होंगे, घड़ी नहीं देखी, फिर भी इतना तो टाइम हो ही गया होगा। बस अभी यहाँ पे हम लोग खाएंगे आइसक्रीम, इसके बाद निकलेंगे घर, और इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय गाइस।